यस स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र चैप्टर फर्स्ट, लेसन फर्स्ट है हमारा। उसमें टॉपिक है हमारा साझेदारी सामान्य परिचय। साझेदारी सामान्य परिचय, साझेदारी सामान्य परिचय कि साझेदारी किसे कहते हैं। तो लास्ट ईयर 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था एकल व्यापार। क्या पढ़ा आपने? एकल व्यापार, ऐसा व्यापार जिसका स्वामी एक व्यक्ति हो। ऐसा व्यापार जिसका स्वामी एक व्यक्ति हो उसे हम बोलते हैं एकल व्यापार। एकल व्यापार में समस्त प्रकार का प्रबंध और नियंत्रण एक व्यक्ति के हाथों में होता है। उसका स्वामी के भी कितना? एक व्यक्ति होता है। एकल व्यापार से उत्पन्न लाभ हानि, समस्त लाभ हानि एक ही व्यक्ति को मिलता है। आप लोगों को याद होगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट हो तो कैपिटल में ऐड किया जाता था और लॉस हो तो कैपिटल अकाउंट में लेस किया जाता था। याद रखो, तो इसलिए कह सकते हैं कि एकल व्यापार से उत्पन्न लाभ हानि एक ही व्यक्ति को मिलता था, एक ही स्वामी हुआ करता था, इसलिए हम उसको बोलते हैं एकल व्यापार। ऐसा व्यापार जिसका स्वामी एक व्यक्ति हो उसे एकल व्यापार कहते हैं। बट हमारा टॉपिक क्या? पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। साझेदारी क्या? जब व्यवसाय के स्वामी दो या दो से अधिक व्यक्ति हो। जब व्यवसाय के स्वामी दो या दो से अधिक व्यक्ति हो तो उसे बोलते हैं साझेदारी व्यापार। उसे हम बोलते हैं साझेदारी व्यापार। ऐसा व्यापार जिसमें स्वामी कितने व्यक्ति हो? दो या दो से अधिक व्यक्ति हो। इस व्यापार से उत्पन्न लाभ हानि को आपस में क्या करेंगे? ये बांटेंगे। क्या करेंगे? लाभ हानि को अनुपातिक रूप से बांट लेंगे। लाभ हानि को अनुपात में विभाजन भी करेंगे। व्यापार का संचालन, व्यापार का संचालन, व्यापार का संचालन या तो ये दोनों मिलके करेंगे, दोनों मिलके करेंगे, या इनमें से कोई भी एक व्यक्ति करेगा। या तो ये दोनों मिलके करेंगे या इनमें से एक व्यक्ति करेगा। यानी कि पूछता साझेदारी कैसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय या पेशे का संचालन करते हुए, किसी व्यवसाय या पैसे का संचालन करते हुए प्राप्त लाभ हानि को, प्राप्त लाभ हानि को निश्चित अनुपात में बांटते हैं। प्राप्त लाभ हानि को निश्चित अनुपात में बांटते हैं और उसका संचालन उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा, उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा या उनमें से सभी के द्वारा किया जाता है। उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा या उनमें से सभी के द्वारा किया जाता हो तो उसे हम बोलते हैं साझेदारी व्यापार। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक समझ में आ गया होगा पार्टनरशिप किसे कहते हैं। अब बस रिपीट कर रहा हूँ, नोटिस करिए आप लोग। साझेदारी व्यापार सिंपल लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय या पेशे का संचालन करते हुए, किसी व्यवसाय या पेशा का संचालन करते हुए प्राप्त लाभ हानि को निश्चित अनुपात में बांटते हैं। प्राप्त लाभ हानि को निश्चित अनुपात में बांटते हैं और व्यापार का संचालन उनमें से किसी एक के द्वारा या उनमें से सभी के द्वारा किया जाता है, उसे बोलते हैं जनरली साझेदारी। ओके डन।